What is capitalization in construction finance loan? This is a question which we get asked a lot. Hi, I am CA Lakshminarayan Ranga from FIJ Advisory, your construction finance expert. So, repayment of a construction finance loan works very differently than a regular term loan. So, repayment period is divided into two parts. First is the principal moratorium period and the second part is the principal repayment period. मोरेटोरियम पीरियड में बस आपको इंटरेस्ट भरना है और रिपेमेंट पीरियड में आपको प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट भरना है। अभी मोरेटोरियम पीरियड में कैपिटलाइजेशन भी होता है, उसका मतलब होता है कि जैसे आपको सेल्स का पैसा आ रहा है उसका एक सर्टन परसेंटेज जो लेंडर और बोरोवर दोनों साथ में डिसाइड करेंगे वो पोर्शन आपके लोन के प्रिंसिपल अमाउंट से एडजस्ट होगा। टू गिव एन एग्जाम्पल, अगर आपको 100 रुपए आ रहा है सेल्स कलेक्शन से और 20% कैपिटलाइजेशन रेट है तो 20 रुपीज विल बी एडजस्टेड टूवर्ड्स योर रिपेमेंट ऑफ द लोन और बाकी का 80 रुपीज आप प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हो। एंड इफ देर आर गुड सेल्स इन द प्रोजेक्ट द लोन गेट्स रिपेड ऑटोमेटिकली, आपका जो इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है दैट कम्स डाउन ड्रास्टिकली। सो इट इज बेनिफिशियल, दिस मैकेनिज्म इज बेनिफिशियल टू बोथ द लेंडर्स एंड द बोरोवर। अगर आपको और कुछ क्वेरीज है कंस्ट्रक्शन फाइनेंस लोन के बारे में सो यू कैन रीच आउट टू अस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।